हेलो फूडीज, मैं हूं नम्रता और आपका स्वागत है फूड यू लव में। आज हम मूली के पराठे बनाना सीखेंगे, जो बहुत आसान रेसिपी है और पौष्टिक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है, हमने यहाँ पे एक बड़ी मूली लिए है, ये लगभग 400 ग्राम है। मैंने इसे धोकर लिया है, फिर हम इसका छिलका निकाल लेंगे। इस साइज़ के मूली के लिए हमें 5 मिर्च लगेंगी, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। नमक लिया है हमने 2.5 टीस्पून, ये आप स्वादानुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए यहाँ मैंने गेहूं का आटा लिया है। तो आइए पराठा बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मूली को छील लेंगे। यहाँ पे हमने मूली को अच्छी तरह से छील लिया है और साफ कर लिया है। अब मैं मूली को कुछ इस साइज के ग्रेटर से कद्दूकस कर लूंगी। यहाँ पे हमें पत्तों के साइड का पोर्शन नहीं लगेगा, इसे हम फेंक देंगे, लेकिन पकड़ने में आसानी हो इसके लिए मैंने इसे ऐसे ही रखा है, काटा नहीं है। मूली के पराठे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी समय खा सकते हैं और ये एक बहुत बेहतरीन टिफिन ऑप्शन भी है। जनरली छोटे बच्चे मूली खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके आप अगर पराठे बनाएं तो उन्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मूली के पराठे आप केचप, दही या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मूली के पराठे आप ठेचे के साथ भी खा सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। पूरी मूली को कद्दूकस करने के बाद मूली के इस ऊपर के पोर्शन को हम फेंक देंगे। मूली को कद्दूकस करने के तुरंत बाद हम इसे नमक लगाएंगे। जैसे ही हम नमक लगाएंगे मूली पानी छोड़ता है और इसी पानी में हम पराठे का आटा गूंदेंगे। यहाँ पे नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि पराठे के आटे में यही जो नमक है समान तरह से मिल जाएगा। अब हम थोड़ी देर के लिए इसे बाजू में रख देंगे ताकि ये पानी छोड़े। तब तक यहाँ पे हम हरी मिर्च को बारीक बारीक काट सकते हैं छुरी से, या चॉपर में चॉप करके ले सकते हैं। हमें हरी मिर्च को इस तरह से बारीक काट लेना है। इस तरह से हमने हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। अब ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, इसने अभी बहुत सा पानी ऑलरेडी छोड़ दिया है। इसी पानी के सहारे हम आटे को गूंथेंगे। यहाँ मैं आटे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करूँगी। इसकी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जितना मूली से पानी निकलता है उसी पानी में हमें आटे को गूंथना है। मूली के पराठे काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे घी में बनाएं तो इसका मज़ा कुछ और ही है। ये एक बेहद टेस्टी और बनाने में आसान रेसिपी है। गूंथने के बाद अब हमारा पराठे का आटा रेडी है। अब हम इसे यहाँ पे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे और फिर पराठे बनाना शुरू करेंगे। 10-15 मिनट रेस्ट होने के बाद अगर आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा चिपचिपा हो गया है या नरम पड़ गया है, तो इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर आप थोड़ा गूंथ लीजिए। हमने यहाँ पे एक लोई ली है, इसे आटे में घोलकर अब हम इसे बेलेंगे। तब तक हम गैस को चालू करेंगे। मैंने घी लिया है जिसमें हम पराठे को सेकेंगे। मैं यहाँ पर पराठा बेल लेती हूँ। पराठा बेलते वक्त हमें थोड़ी अधिक मात्रा में आटा लेना पड़ता है। हमारा पराठा बेलकर रेडी हुआ है। आप दोनों साइड से देख लीजिए, ये न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा मोटा है। मैं एक पराठा सेकने तक यहाँ पे दूसरा पराठा बेल लूँगी। अब दोनों साइड अच्छी तरह से सेकने के बाद हम इस पे घी डालेंगे। बड़े आराम आराम से किनारों को दबाकर हमें इसे सेकना है, ताकि कहीं से ये कच्चा ना रहे।
मूली के पराठे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। अब हमारा पराठा रेडी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे पराठों को बना लेना है। लीजिए, हमारे मूली के पराठे रेडी है। इसे मैंने टोमेटो केचप और ठेचे के साथ सर्व किया है। आशा करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस ठेचे की और ऐसे ही आने वाली मज़ेदार रेसिपी मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। होप यू लाइक इट।